लगभग 12:30-1 के आसपास एक बस जो है, जो डबल डेकर बस है, जो नागालैंड नंबर की बस है, वो रायबरेली से दिल्ली जा रही थी और 12:45 के आसपास 129 नंबर के जो एक्सप्रेसवे का जो नंबर है किलोमीटर का, उस पर जो है एक सोयोट कंपनी की इंजॉय गाड़ी से उसका टक्कर हो गई। बताया जाता है कि वो गाड़ी जो है आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया की ड्राइवर की नींद आ गई और उस लेन से क्रॉस करते हुए और इस गाड़ी से जो बस आ जा रही थी दिल्ली की तरफ उससे आगे टकरा गई और बस डिसबैलेंस होकर फिर इस एक्सप्रेस वे से नीचे चली गई, खंडक में गिर गई, जिससे 60 लोग उस बस में बताया था कि बैठे हुए थे जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे और उसमें से 4 लोगों की डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई है। बाकी लोग जो इंजर्ड थे, करीब 20 से 25 लोग इंजर्ड थे, उनको एडमिट करा दिया गया, उनको प्राथमिक चिकित्सा और जो भी उनकी गहन चिकित्सा होती सारी व्यवस्था की जा रही है। उसमें 1 लोग को गंभीर बताया जाता है। इसमें 7 लोगों में जो डेथ हुई है उसमें 3 लोग उस गाड़ी के मृतक हैं, उसमें एक महिला भी शामिल है और इस प्रकार से 7 लोगों की डेथ हुई है और जो भी उसमें प्रशासन की तरफ से बेस्ट पॉसिबल इलाज होता है वो कराया जा रहा है। यूपीडा के लोग से लेकर पुलिस प्रशासन के सारे लोग देख रहे होंगे, मैं स्वयं यहां उपस्थित हूं, एडीएम साहब, एसपीआरए साहब और सभी सीओज, सभी एसडीएम यहां पर उपस्थित हैं।